हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा 5 डे वर्कआउट सीरीज का डे 1, जो कि होने वाला है चेस्ट वर्कआउट, लाइक प्योर चेस्ट। एंड लास्ट में जस्ट मैं एक वेरिएशन शोल्डर का लेता हूँ, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो बेसिकली वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो आई पर्सनली गो डे वाइज, नॉट वीक वाइज। लाइक लोगों का रहता है कि मंडे जाके वो लोग ट्रेन करेंगे चेस्ट, ट्यूजडे बैक, लेग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई गो फॉर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। तो अगर हमने डे 1 से स्टार्ट किया तो हमारा 5th डे फ्राइडे को आता है। तो सैटरडे को आई गोना परफॉर्म द डे 1 वर्कआउट रादर देन गोइंग एंड स्मैशिंग अनदर लाइक चेस्ट ही मारना। फिर सैटरडे कौन सा लेग डे रहेगा तो लेग मारना। तो आई गो डे वाइज एंड दैट्स ऑल। बाकी 2 जिम में ही बात करेंगे, तब तक मैं मेरा प्री वर्कआउट ले लेता हूँ और आपको जिम में मिलता हूँ। तो अभी हम आ गए जिम में, जिम का नाम है फोर्स फिटनेस। तो लाइक मेरे सिटी में जो रहते हैं उनको मालूम रहेगा। एंड लाइक आज डे 1 है, जैसे मैंने बोला चेस्ट ट्रेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट वेरिएशन होने वाला है फ्लैट डंबल बेंच प्रेस या फिर बारबेल बेंच प्रेस। लाइक मैं आज तो बारबेल के ऊपर नहीं परफॉर्म करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने लास्ट वीक में बारबेल बारबेल पे बेंच मारा था। सो आई एम गोइंग फॉर डम्बल दिस वीक एंड इसके मैं 10 सेट्स लेता हूँ, लाइक 2 सेट्स ऑफ वार्म अप, 5 वॉकिंग सेट्स एंड लास्ट के जो 3 सेट्स है उसमें मैं एक तो रिपीटेशंस हाई कर देता हूँ वेट को थोड़ा सा कम करके, टू गेट दैट मसल फटीक मोर। या फिर मैं सेट्स ड्रॉप सेट्स मारता हूँ, जो 3 लास्ट के सेट्स है वो ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करता हूँ। सो अभी जो स्टार्टिंग के 2 सेट्स होने वाले हैं वो वार्म अप सेट्स होने वाले हैं, तो उसको भी मैं काउंट करता हूँ। ये पूरा जो 10 सेट्स का टेक्निक है वो मैंने GVT से इंस्पायर होके अपने वर्कआउट में ऐड किया था। 10x10 जो GVT का रहता है वो यूजुअली टाइम नहीं मिलता परफॉर्म करने के। सो आई गो विथ 5 वर्किंग सेट्स। सो लेट स्टार्ट। सेट 15 kg के साथ, सेकेंड सेट 20 kg के साथ, अभी जो मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट होगा वो 30 kg के साथ 5 सेट करने वाला हूँ एंड देन आई विल ड्रॉप द वेट फॉर गेटिंग मोर रिपीटेशंस। एंड कभी भी ये ध्यान रखो कि यू आर मेकिंग अ गुड माइंड मसल कनेक्शन। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो तभी मेक श्योर कि आप उस मसल को फील कर रहे हो, वो किया तो भी वैल्यू है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है।
मैंडेटरी थी और कुछ देर वर्किंग सेट्स एंड एक जस्ट मैं वार्म अप सेट ले लेता हूँ क्योंकि कोई इसलिए ना वर्किंग Fourth variation is going to be pec fly for again 3 sets of 8 to 12 reps and try karo ki aap acha mind muscle connection isolation movements yani flies mein to achhi tarike se isolation movements mein mind muscle connection create kar rahe ho kyunki isolation movements aapke directly muscle group ko hit karte hain yani compound movement jaisa nahi like बेंच प्रेस में जैसा आपका शोल्डर से पावर निकलती है ट्राइसेप भी यूज़ होता है
तो ट्राई करो कि वेट कम रहेगा तो भी ठीक है, बट ईगो लिफ्टिंग मत करो आइसोलेशंस पे। एप्स के लेता हूँ, मैं अल्टरनेट डेज ऐप लेता हूँ। अगर मैंने डे वन को ऐप्स लिए, डे टू को नहीं लूँगा, डे थ्री को लूँगा, डे फोर को नहीं लूँगा, डे फाइव को लूँगा, ऐसा अल्टरनेट डेज मैं ऐप्स लेता हूँ। सो आज मैं हैंगिंग लेग रेस लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये वेरिएशन ये वेरिएशन अच्छा लगता है, बस बाकी कोई रीज़न नहीं है। सो लेट स्टार्ट विथ साइड लैटरल्स फर्स्ट एंड एंड विथ हैंगिंग लेग रेस। पसंद आया लाइक गिव इट अ ट्राई करो एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। इसके बाद डे टू का वर्कआउट आने वाला है, यही जिम में शायद से रहेगा। सो टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।